देश भर में जहां नवरात्रि की धूम है, वहीं नवी मुंबई में भी बड़े ही भक्तिभाव के साथ यह त्योहार मनाया जा रहा है। नेरुल में एनसीपी नगर सेवक एवं नवी मुंबई राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस अध्यक्ष सूरज पाटिल के नेतृत्व में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी प्रभाग क्रमांक 85-86 पुरस्कृत एवं समृद्धि सेवाभावी संस्था द्वारा आयोजित नवरात्रि उत्सव में अलग रौनक देखने मिल रही है। नवरात्रि के चौथे दिन यहां भारी संख्या में लोगों ने दांडिया और गरबा का लुत्फ उठाया। इस अवसर पर महापौर जयवंत सुतार और एनसीपी प्रदेश सचिव संजीव नाइक ने भी भेंट देकर माता रानी के दर्शन किए। इस दौरान बेस्ट डांसर्स को पुरस्कारों से सम्मानित किया गया, वहीं लकी ड्रॉ विजेता महिला को पैठनी से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर अपनी भावनाएं व्यक्त करते हुए एनसीपी प्रदेश सचिव संजीव नाइक ने सूरज पाटिल द्वारा आयोजित नवरात्रि उत्सव की जमकर सराहना की। वहीं एनसीपी नगर सेवक सूरज पाटिल ने नवरात्रि उत्सव के आयोजन के पीछे की अपनी मंशा व्यक्त की। तारसा ग्रामस्थ आणि सेक्टर 6 मधील लोकांनी 2015 इलेक्शनमध्ये सौभाग्यवती जयश्री ठाकूर आणि सौभाग्यवती सुजाता पाटील यांना इथून निवडून दिलं। कुक्षेतचा पूर्ण गाव आणि नंतर सारसोळ्याचा काही भाग, सेक्टर 6चा काही भाग म्हणून सुजाता पाटलांच्या वार्डात आला आणि सारसोळे गावाचा उर्वरित भाग आणि सेक्टर 7चा उर्वरित भाग जयश्री ठाकूर यांच्या वार्डात आला। त्यामुळे 4 वर्षापूर्वी आम्हाला इथल्या लोकांनी दिलेल्या जबाबदारीच्या अनुषंगाने सुख दुःख सगळ्या गोष्टींसाठी एक जबाबदारी आली आणि सगळ्या सहकाऱ्यांच्या मताने मग सगळे उत्सवसुद्धा साजरे केले गेले पाहिजे। म्हणून नवरात्र उत्सव हा दुर्गा मातेचा पवित्र उत्सव, शक्तीचा उत्सव, महिलांचा आदर देण्याचा उत्सव साजरा करण्याचं सगळ्या सहकाऱ्यांनी ठरवलं आणि आजचे चौथं वर्ष आहे। चौथ्या वर्षात जो लोकांनी सगळा उत्स्फूर्त प्रतिसाद दिला आहे, निश्चित वाखाणण्याजोगा आहे। सेक्टर 6 मधील महिला वर्ग असेल, दारसोळ्या गावातले असतील, कुक्षेत गावातले असतील, सेक्टर 10च्या असतील, सगळे इथं आवर्जून उपस्थिती दाखवतात, परिवारासही येत आहेत आणि आपण पाहतात उत्सवाला किती उदाहरण आलेलं आहे। ब्युरो इनपुट, EW नेटवर्क।